हम लोगों को लेबर वेजेस से भी कम मामला पैसे मिलते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बार बढ़ी है? सर 2015 से लेके 2024, 31 मार्च 2024 तक हमारा सैलरी के बढ़ने का कोई नाम नहीं है। और इतने लोगों को इन्होंने एक ही झटके में बेरोजगार कर दिया और इतने परिवारों को इन्होंने बिखार दिया है। किसी भी टाइम कहीं भी फांसी लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, इसकी गारंटी हम भी नहीं दे सकते। हमने दिल्ली गवर्नमेंट को, उनके स्कूलों को, उनके बच्चों को पढ़ाने में हमने 9 साल अपने दिए हैं, अपना एक गोल्डन पीरियड दिया है, लेकिन आज गवर्नमेंट ने हमें इस तरीके से बाहर निकालते जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपये देने के लिए अतिथि मैडम को जो है संविधान में चिल्ला रही है, 1000 रुपये देने के लिए लेडीज को पैसे हैं हर महीने के लिए, ठीक है, क्या शिक्षा विभाग पे जो है या शिक्षा पे जो पैसे खर्च करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है? तो दोस्तों आज मैं खड़ा हूँ रोजगार निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि दिल्ली सरकार। तो दिल्ली सरकार की तारीफ तो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि दिल्ली की जो शिक्षा है इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच चुकी है, पर क्या आपको मालूम है कि जो दिल्ली के वोकेशनल ट्रेनर्स हैं जो कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में काम करते थे, आज उनकी हालत क्या है? आज मैं आपको बता देता हूँ, उनकी हालत ये है कि उन्हें रोजगार से निकाल दिया गया है। तो चलिए पता करते हैं कि ये जो ट्रेनर्स हैं जिनको जॉब से निकाला गया है, आज इनका क्या हाल है उन्हीं की जुबानी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग इधर क्यों भीड़ करके इकट्ठा खड़े हुए हैं? देखिए सर, ये रोजगार कार्यालय है, यहाँ पे मिनिमम लेबर वेजेस का मामला जो है इसको सेटल किया जाता है। और हम सब की हालत ये है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाने के हुए हम लोगों को लेबर वेजेस से भी कम मामला पैसे मिलते हैं, और उसीलिए हम सब लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों की जो है नौकरी भी अब चली गई है, हम लोग 2015 से लग रहे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट जो है हमारे प्रति अपनी कोई जिम्मेदारी समझ ही नहीं रही है। हम लोग को ऐसा समझती है कि हम लोग फालतू के आए हुए हैं, बोलती है कि आप लोगों की पोस्ट नहीं है, और बिना पोस्ट के हम लोग आपको अब तक चला रहे थे, अब और हवाला दे रही है कि गवर्नमेंट कि हमारे पास फंड नहीं है इसलिए आप लोगों को अब आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर नहीं होगा। वो तो कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया, लेकिन यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर ये है कि हम लोग सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बहुत से उससे भी ज़्यादा हायर उनकी जो क्वालिफिकेशन है, और उनको सैलरी कितनी मिल रही है, मिनिमम लेबर वेज जो दिल्ली सरकार ने तय कर रखे हैं उससे भी बहुत ज़्यादा कम, कोई 15,000 ले रहा है, कोई 16 ले रहा है, कोई 17 ले रहा है, और ये एकदम पूरी तरीके से वायलेंस है मिनिमम लेबर वेजेस का। और इसके लिए हम अक्टूबर से हमने यहाँ पे केस फाइल किया था, अक्टूबर से लेकर अब तक डिपार्टमेंट हमारे साथ खेल खेल रहा है, बार बार किसी भी एक छोटे से मुजामिन को भेज देता है, उसे कुछ पता होता नहीं है, वो एक अथॉरिटी लेटर लेके आ जाता है और रिप्लाई कहता है कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, और ये जो मामला है वो खिंचता जा रहा है, डेट पे डेट पड़ती जा रही है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि 2015 से आप लोग इधर दिल्ली सरकार में जॉब कर रहे हैं एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, तो क्या सर आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी सैलरी कितनी बार बढ़ी है? सर 2015 से लेके 2024, 31 मार्च 2024 तक हमारा सैलरी के बढ़ने का कोई नाम नहीं है, उल्टा उसमें से हमें घटके मिला है, एक भी पैसा जो है हमारी सैलरी में नहीं बढ़ा है। ये जो सरकार की उदासीन जो नीति है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, स्किल एजुकेशन को लेकर के, जो दावे ठोक रही है सरकार के, हमने इंटरनेशनल एजुकेशन को इतना अच्छा कर दिया है, सच्चाई ये है कि इस सरकार ने, दिल्ली सरकार ने इस शिक्षा को इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है कि कोई भी बच्चा दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में आके अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर सकेगा। और इतने लोगों को इन्होंने एक ही झटके में बेरोजगार कर दिया और इतने परिवारों को इन्होंने बिखार दिया है। 512 नंबर, लगभग 512 जो लोग हैं, जो ट्रेनर हैं, जिसको टीचिंग का काम करते हैं, पूरे दिन करते हैं, ट्रेनर वर्ड्स इन्होंने डिपार्टमेंट ने यूज़ किया है, लेकिन वो टीचिंग का काम करते हैं। चलिए किसी दूसरे ट्रेनर से हम बात कर लेते हैं कि स्कूल में इनको क्या क्या काम करना पड़ता था, ताकि ये कंपेयर किया जा सके कि बाकी टीचर्स के मुकाबले इनका काम कितना होता था और क्या क्या होता था।
दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में पिछले 2015 से हम लोग काम कर रहे हैं। हमें लगभग 9-10 साल हो गए हैं और हमें मिनिमम वेजेस से भी कम सैलरी प्रोवाइड यहाँ पे की जाती है। हम एक परमानेंट एम्प्लॉई से भी ज़्यादा काम करते हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा जो डिपार्टमेंट है वोकेशनल डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो हमारे साथ इतना ज़्यादा अन्याय कर रहा है 2015 से कि हमें मिनिमम वेजेस भी नहीं दिया जाता है। इसके बदले हमारा शोषण किया जाता है। और अब तो हालत ये है कि इन्होंने हमें जॉब से ही बाहर कर दिया है, ये बोल के कि तुम्हारा टेंडर ख़त्म हो गया 31 मार्च को। इतने टाइम से तो टेंडर हर बार 4-5 दिन में 2 दिन में टेंडर रिन्यू हो जाता था, एक्सटेंड हो जाता था, लेकिन इस बार एक्सटेंशन का तो कोई नाम नहीं है। अब ये बोल रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तुम्हारी कोई पोस्ट ही नहीं है, हमारा ये जो प्रोजेक्ट था हवा में चल रहा था अभी तक, ये कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं इस बारे में। इनका जो केस है अब लेबर कोर्ट तक आ पहुंचा है क्योंकि इन्हें रोजगार से निकाल दिया गया है, तो वकील साहब से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। सर, दो शब्द आपसे भी सुनना चाहेंगे। पहली चीज़ बताऊँ, मैं वकील नहीं हूँ, मैं ट्रेड यूनियन में काम करता हूँ, मैं ट्रेड यूनियन लीडर। लेकिन इनकी समस्या ये है कि पहली चीज़ इनको मिनिमम वेज सरकार नहीं दे रही है जो मिलना चाहिए था, जिसको लेकर ये शुरू में यहाँ केस लगाया गया, जिसका ये बहाना बनाते हैं कि ऑनरेरियम है। लेकिन ऑनरेरियम में ESI PF वगैरह नहीं होता, ऑनरेरियम किसी स्पेसिफिक काम के लिए होता है। आप फुल टाइम ड्यूटी कर रहे हैं स्कूल में, उसमें ऑनरेरियम नहीं हो सकता, वो शैम आर्गुमेंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को छिपाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। दूसरी बात, जो अभी इन्होंने कहा है कि हम पोस्ट सैंक्शन नहीं है इसलिए एक्सटेंड नहीं हो रहा टेंडर, तो ये पोस्ट तो इनकी सैंक्शन पहले भी नहीं, 2015 से अब तक ये चले जा रहा है, और किस आधार पर चल रहा है इसको सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए कि जब अभी तक चल रहा है तो अब आगे क्यों नहीं चलेगा, या अभी अगर अभी तक इलीगल काम कर रही है तो सरकार के ऊपर कुछ फाइन लगना चाहिए इलीगल काम के लिए। थर्ड चीज़ है, इनकी सैलरी का डिसबर्समेंट जो होता है, उस डिसबर्समेंट को मॉनिटर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कोई आदमी उसको मॉनिटर करेगा क्या होता है। इनको पता ही नहीं है किसको कितनी सैलरी जा रही है, ये ESI PF क्यों कट रहा है, आउटसोर्सिंग कंपनी क्यों काट रही है, किसी को पता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें एकदम इलीगल तरीके से, बिल्कुल आर्बिट्री तरीके से गवर्नमेंट काम कर रही है इसमें, इसीलिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और ये पूरा लड़ाई इनकी आगे चलेगी। तो एक वोकेशनल ट्रेनर हमारे बीच, ये भी आपको बताएंगी कि अभी हाल फिलहाल में इनकी जॉब जो गई है उसके बारे में ये क्या सोचती है, क्या काम होता था और किस तरीके से ये अपना कार्य कर रही थी स्कूल में। देखिए, कार्य हमसे जो लिया जा रहा था, जो परमानेंट टीचर्स हैं उनके जितना ही कार्य लिया जा रहा था, हमने दिल्ली गवर्नमेंट को और उनके स्कूलों को उनके बच्चों को पढ़ाने में हमने 9 साल अपने दिए हैं, अपना एक गोल्डन पीरियड दिया है। लेकिन आज गवर्नमेंट ने हमें इस तरीके से बाहर निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। अब हमारे भविष्य का क्या होगा, अब आगे क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिससे कि गवर्नमेंट पीछे हट रही है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारी ये पोस्ट नहीं थी, ये नहीं था, XYZ। अब इनके ये क्वेश्चन का कौन लायबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारे भविष्य का क्या होगा। हमने बच्चों के भविष्य को इतना सुनहरा बनाया है, 100% रिजल्ट दिए आज तक, लेकिन अब हमारा क्या होगा। आज तक एक पैसे का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सैलरी नहीं बढ़ी है, लेबर को भी इतने मिनिमम वेजेस नहीं दिए जाते जितने हमें दिए जा रहे थे और जितना हमारा यूटिलाइज किया जा रहा था। आपको मैं एक बात और बता दूं कि पहले दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री थे वो मनीष सिसोदिया जी थे और अब हैं लेटेस्ट में आतिशी सिंह। तो क्या आतिशी सिंह ने आज तक आपके वेलनेस के लिए कुछ बोला? नमस्कार आपको, मैं भी एक ट्रेनर हूँ और आज की कंडीशन हमारे लोग की ये हो गई है कि 9 साल काम करने के बाद भी गवर्नमेंट ऐसे आराम से निकाल के फेंक देती है बाहर, कहते कि आप तो कोई पोस्ट में हो ही नहीं। और ये है दिल्ली का व्यवस्था शिक्षा विभाग में, और कहते हैं कि आप किसी पोस्ट पर नहीं हो फिर भी हम रेगुलर टीचर की तरह काम किए हैं, और इसका रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड स्कूल में भी है और वोकेशनल डिपार्टमेंट में भी है। और रही बात आज सिचुएशंस की, तो हम लेबर कोर्ट में भी हैं, जो कि इनको जवाब नहीं दिया जा रहा है कि भाई लेबर कोर्ट में जो केस हमने डाला उसका सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं ये, और उल्टे सीधे जवाब भी दे रहे हैं और बहुत सारे कमियाँ करके बैठे पड़े हैं। और पोस्ट के रिगार्डिंग में हम लोग हाई कोर्ट जा चुके हैं, उसमें भी हम लोग के अगले जो है अगली सुनवाई होगी। और आतिशी जी,
सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर सर से कुछ टाइम पहले जो मिलने गए थे सभी लोग, हम लोग भी साथ में थे, उन्होंने कहा कि बजट ही नहीं है और साथ साथ में ऊपर से मैडम भी जो है बजट रोक रखी हैं, इसको कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1000 रुपया देने के लिए अतिशी मैडम को जो है संविधान में चिल्ला रही हैं, 1000 रुपये देने के लिए लेडीज़ को पैसे हैं हर महीने के लिए, ठीक है, क्या शिक्षा विभाग पे जो है या शिक्षा पे जो पैसे खर्च करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है? अगर ये सपना देख रही है जापान का, तो जापान कैसे बनाएंगे? एक पॉइंट मुझे ऐड करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है आतिशी ही देख रही हैं और हमारे डिपार्टमेंट्स ने कहा है कि फाइनेंस से अप्रूवल नहीं मिला है, तो फाइनेंस से अप्रूवल कौन दिलाएगा? आतिशी मैडम शिक्षा विभाग भी देख रही हैं, आतिशी मैडम फाइनेंस डिपार्टमेंट देख रही हैं, तो फाइनेंस से अप्रूवल भी तो आतिशी मैडम को ही दिलाना है ना, तो आतिशी मैडम हम लोगों को फाइनेंस से अप्रूवल क्यों नहीं दे रही हैं? और ये कहना सरासर गलत होगा कि पोस्ट सेंशन नहीं है। अब पोस्ट सेंशन नहीं है तो हम पिछले 9 साल से बिना सेंशन पोस्ट पे कैसे काम कर रहे थे, ये क्या था? इसका कोई जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। सर हम लोग कहाँ जाएंगे, पहले 9 साल से काम कर रहे हैं, आप झटके में निकाल देंगे? और हम कोई बंदा वैकेंसी नहीं भर सकता, रेगुलर पोस्ट नहीं दे सकता, उसका तो लाइफ ही चौपट हो गया ना, खराब हो गया उसकी फैमिली। और आज के टाइम में सभी डिप्रेशन में, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम कहीं भी फांसी लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, इसकी गारंटी हम भी नहीं दे सकते। मोस्टली लोग ओवर एज हो गए हैं सर, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिस कंपनी से आए वहाँ भी नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकता है बंदा? जहाँ एक और नई NEP यानी कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी के तहत पूरे इंडिया में और लगभग सभी स्टेट में वोकेशनल एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वहीं यहां पर इनको जॉब से निकाल भी दिया गया है। और ये कहीं और की बात नहीं, ये दिल्ली की बात है, यानी कि कैपिटल ऑफ इंडिया। ये मैडम हमारे साथ हैं, तो आपकी गवर्नमेंट से क्या डिमांड है? सर देखिए, जहाँ तक मैं कहना चाहूँगी, हम वोकेशनल डिपार्टमेंट में 2015 से हम लोग काम कर रहे हैं और इतने साल हो गए काम करते हुए, अभी तक हमारे पास कभी भी रोजगार की गारंटी नहीं है। ये लोग कहते हैं कि वोकेशनल डिपार्टमेंट में स्किल सब्जेक्ट्स को हम इतना बढ़ावा दे रहे हैं, सरकार वोकेशनल सब्जेक्ट्स के नाम पर बहुत फुटेज लेती है, और अब जब वोकेशनल सब्जेक्ट्स के टीचर्स की बात आती है, हमें ट्रेनर के नाम से बुलाया जाता है कि हम वोकेशनल ट्रेनर हैं, बट हमारे जॉब की गारंटी नहीं है। और अब हम सड़क पर हैं इस वक्त, जो हमें 20,000 की सैलरी आप लोग पे कर रहे थे, जिसे आप ऑनरेरियम कहते थे, जिसमें से हमारा ESIPF सरकार को ये तक नहीं पता कि हमें ऑनरेरियम दिया जा रहा है या सैलरी दी जा रही है, उसके लिए आज हम यहाँ लेबर कोर्ट में भी खड़े हैं, और डिपार्टमेंट को ये नहीं पता कि वो हमें ऑनरेरियम पे करती है या सैलरी पे कर रही है, उसे इन दो शब्दों में डिफरेंस नहीं पता। मेरी सरकार से यही डिमांड है कि आप वोकेशनल सब्जेक्ट्स को जब आप इतना बढ़ावा दे रहे हैं, तो स्किल सब्जेक्ट के जो हम टीचर्स हैं, हमारा क्या होगा? हम आज सड़क पर हैं, तो एटलीस्ट हमें भी तो रोजगार गारंटी दी जाए, हमें भी सेम अमाउंट मिलना चाहिए। और यहाँ पर MTech हैं, BTech हैं, BTech MTech हैं, मास्टर हैं, PhD होल्डर्स तक यहाँ पर हैं, तो डिपार्टमेंट को हाईली क्वालिफाइड जो है वो मजदूर चाहिए, लेकिन उनको सैलरी देने के लिए उनकी जेबें जो हैं वो कटती हैं। इनमें से एक ट्रेनर और है, क्योंकि नाम मुझे लग रहा है सरकार ने बदल कर लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई है, क्योंकि स्कूलों में टीचर होते हैं ना कि ट्रेनर, तो जानबूझकर मुझे लग रहा है कि ट्रेनर नाम जानबूझ के लोगों को गुमराह करने के लिए रखा गया है। और हमारे बीच में एक ट्रेनर है जो कि कुछ कहना चाह रहे हैं। हम सभी ट्रेनर, जो सरकार ने हमें बताया गया है ट्रेनर जो कि टीचिंग का काम कर रहे हैं, वो अन्याय के खिलाफ काफ़ी जगह पर गए हुए हैं। डिपार्टमेंट में भी हम हर दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन डायरेक्टर सर से मिल रहे हैं, आतिशी से मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी हमें ऐसे एंटरटेन नहीं कर रहा है। तो हमें आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हमें काफ़ी मतलब लाइक एंड शेयर कर सकता है, और इस आवाज़ को हमारे साथ आकर बुलंद भी कर सकता है। ठीक है, धन्यवाद। तो वीडियो के अंत में मैं बस आप सभी लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको लगता है कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, तो जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये लड़ाई अब आपके साथ भी है और इनके साथ भी है, ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो।